नमस्कार, स्वागत है आपका भारत प्लस टीवी में। मैं आपके साथ राज ठाकुर, और इस टाइम हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है रमनदीप मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच मैम। इस मूवी के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कैसी मूवी है, दर्शकों के लिए इसके बारे में बताइए। फिल्म है ये नानक नाम जहाज, एक सोशल मैसेज है। श्रद्धा और आस्था पे, आस्था के ऊपर है, जो हम गॉड पे नहीं बिलीव करते हैं और सडन हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और बस उसी को लेके ये जो फिल्म है। क्या कुछ खास रहने वाला है मूवी के अंदर, जैसे गाना भी होता है कुछ अलग ही, और कॉमेडी भी देखने को मिलेगी या कुछ हमें इस तरीके नहीं, से? कॉमेडी नहीं, ये एक सोशल वर्कर के ऊपर जो है ये मैसेज है। ये श्रद्धा और आस्था की फिल्म है तो ये इसमें कॉमेडी तो नहीं होगी। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि पंजाबी फिल्म है तो कॉमेडी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, कॉमेडी फिल्म नहीं है। जब इस मूवी के बारे में आपको पता चला कि मुझे इस मूवी में काम करना है, तो क्या कुछ लगा आपको उसका एक्सपीरियंस देखिए? पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं ये कर पाऊंगी, और फिर मुझे खुशी भी इस बात की थी कि मैं नानक नाम जहाज फिल्म की जर्नी में जो है एड ऑन होने जा रही हूँ। और फिर इसमें जो था वो डांस था, वो सब एक सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, और मुझे लगा था मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट हो गया था। सेट पे सडन पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर पावर आ गई थी कि मैंने वो सब डांसर्स के साथ डांस कर लिया था। और इसमें बिंदु दारा सिंह भी है, उनके साथ काम करके कैसा लगा? क्योंकि जब भी उनके साथ कोई काम करता है, अगर हम इंटरव्यू के थ्रू पूछते हैं, तो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बिंदु दारा सिंह की एक्टिंग और उनके साथ रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उनका एक्सपीरियंस उनके साथ। क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना, वो एक बैटरी है, वो सबको चार्ज कर देते हैं। वो बहुत ही हमेशा हंसते रहना, खुश रहना, इतनी टेंशन होती है बट उनको देख के आप बोल ही नहीं सकते कि उनको टेंशन है या कोई स्ट्रेस भी है, वो हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए जो है ना, उनसे एक एनर्जी मिलती है और सामने वाले को बहुत मोटिवेट करते हैं वो। एक छोटा सा मैसेज चाहूंगा कि जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, तो ये मूवी कब आ रही है और उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? ये फिल्म आ रही है 24 मई, और ये फिल्म जो है वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जैसे कि पंजाबी फिल्म होती हैं। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग ये फिल्म जाएं, देखने जाएं। और जैसे कि 50 साल पहले ये फिल्म आई थी तो लोगों ने अपनी श्रद्धा दिखाई थी, कि जब ये फिल्म थिएटर के अंदर देखने गए थे तो चप्पलें और जूते सब बाहर खोल के गए थे। इस बार भी अपना ऐसे प्यार जो है हमें दिखने को मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं।